क्यों कर रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पहला केस सामने आने पर आदेश दिए गए हैं, पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है कि कोई भी पहला केस सामने आए तो पक्षियों को मारा जाए। जलाशयों बैराज पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। क्या एहतियात है यूपी में वो हम आपको बता रहे हैं। पक्षियों को मारने का आदेश है, यदि यहां किसी पक्षी में पुष्टि होती है तो पक्षी को मारा जाए, उसका आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ इलाकों से पक्षियों के मरने की खबर जरूर मिली है। उनके सैंपल्स टेस्ट के लिए गए हुए हैं। प्रदेश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट बढ़ता जा रहा है, कई राज्यों से लगातार केस सामने आते जा रहे हैं। हालांकि ह्यूमन केस अभी तक सामने नहीं आया, ये अभी पक्षियों में ही है, लेकिन यूपी में उसको लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर है। फ्लू को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सरकार ने आदेश जारी किया है। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू ये भी जान लीजिए। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन खतरनाक है, ये वायरस संक्रमित पक्षियों से फैलता है। इसके लक्षण क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हो सकती है, ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी शिकार बना सकता है। ये इंफेक्शन चिकन से लेकर टर्की, मोर, बत्तख जैसे पक्षियों में तेजी से फैलता है। हमेशा कफ बने रहना, सर में दर्द, नाक बहना, गले में सूजन, मसल्स में दर्द होना भी इसके लक्षण हैं। और इस पर अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं, नितिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं आगरा से। नितिन, क्या आगरा में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई है, क्योंकि झांसी से भी हमें ऐसी तस्वीरें मिली एक दो जगह से जहां कुछ कौओं की मौत हुई तो कहीं मुर्गियों की मौत हुई। हालांकि पुष्टि नहीं है कि अभी बर्ड फ्लू है, अभी सैंपल टेस्ट होने के लिए गया हुआ है। आगरा में कैसे प्रशासन अलर्ट पर है? देखिए, आगरा हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश, सूबे की सरकार ने भी, पशुपालन विभाग ने भी बाकायदा सभी 75 जिलों में एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जितने भी बर्ड सेंचुरी हैं वहां से डेटा इकट्ठा किया जाए और इसके साथ ही जो प्रवासी पक्षी हैं उसकी भी जानकारी जुटाई जाए। इसके साथ ही जितने भी जो मुर्गा मंडियां हैं वहां हफ्ते में एक दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से जिस दिन बंदी रहेगी उस दिन पूरी तरह साफ सफाई रहेगी। और इसके साथ ही जो भी ऐसे बात की जाए, कानपुर में कल चार कौए की मौत होने से हड़कंप मच गया, उसके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई डिजीज भोपाल भेजे गए हैं। तो ऐसे ही आगरा में कल एक पालीवाल पार्क में बाज की मौत हो गई, एक कौए की मौत हो गई, लेकिन उसकी वजह बताई जा रही है ठंड से हुई है। तो अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी संकेत मिलते हैं तो आप स्वतंत्र हैं और पक्षियों को मारने के आदेश दिए ताकि वो ह्यूमन बीइंग में वो संक्रमण ना फैले। कुल मिला के आगरा से लगता हुआ राजस्थान है, राजस्थान में जिस तरीके से बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू मिला है, चाहे वो जयपुर हो चाहे फिर और अन्य जिले हों, साथ ही भरतपुर जो जिला है राजस्थान का वो भी सीमावर्ती जिला है आगरा का, 55 किलोमीटर है, वहां भी एक बड़ा पक्षी विहार है, फ्लेमिंगो पक्षी में बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू मिला है। तो कुल मिला के जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसको लेकर पूरी तरह से जो आगरा हो या उत्तर प्रदेश हो अब सतर्क है और इसके लिए बाकायदा आगरा में एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। हालांकि आगरा जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उड़ते हुए पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू फैलने की आशंका ज्यादा है जो मुर्गा मुर्गियों की अपेक्षा। कुल मिला के कहा जाए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से अलर्ट पर है और सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए पूरा जो आदेश है या कह लीजिए कि फ्री हैंड विभाग को दिया है कि वो अपनी कॉल ले सकते हैं कि किसी पक्षी में यदि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो सकती है तो उसको मारा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए नितिन। उधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले